हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वैसे आप ये नीचे का टैगलाइन देख के समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। तो जी हाँ, आई गॉट सिलेक्टेड इन एयर इंडिया एक्सप्रेस एज कैबिन क्रू, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं अपने लव्ड वंस को थैंक यू बोल सकूँ और मैं अपने आगे आने वाली जो कैबिन क्रू एक्सपीरियंस है उन्हें हेल्प हो सके, किसी के थ्रू हो सके, और मेरे कुछ लोगों को पता चल सके कि मैं राइट नाउ मैं क्या कर रही हूँ या फिर क्या करने वाली हूँ। कि मैं सबको फोन करके बताना थोड़ा सा अभी हो जाएगा कि देखो एक खुद बता रही हूँ, मतलब ऐसे वीडियो थ्रू मैं सबको बता सकती हूँ ना कि मैं क्या करने वाली हूँ और मेरी क्या चीज़ें मैंने अचीव की है। तो मेरा वैसे ये थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने पहले विस्तारा में दिया था, दिल्ली में विस्तारा का दिया था, और मैं विस्तारा के लिए मैं तो बस मजे करने गई थी। मेरा पहला इंटरव्यू था वो, और मैं किसी को नहीं बताई जिसके बारे में, सिर्फ मेरी एक फ्रेंड और मेरी दीदी को और मेरे भैया को पता था, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था। विस्तारा का गई और बहुत से लोग ये गए थे, मेरे दीदी को ये बोले कि जाओ तो देखो तो कैसे होगा, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं होता है सबका एक बार, तुम बस मजे के लिए जाओ। गए मजे के लिए, मेरा पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, तो दूसरे राउंड में तो मुझे लगा कैसे दूसरा राउंड हो गया, ये मतलब ग्रुप डिस्कशन कैसे, ग्रुप राउंड कैसे क्लियर हो गया। फिर मेरा जब मैं लास्ट राउंड में गई, और मेरा तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है लास्ट राउंड तक जाके, अरे हाँ मेरा हो गया था, तो लेकिन नहीं हुआ। लास्ट राउंड में मैं रिजेक्ट हो गई, ठीक है। लेकिन मेरा ये था कि मैं विस्तारा में दोबारा दूंगी आपका सिक्स मंथ। मैं अप्रैल में, सबसे मेरा पहला इंटरव्यू था अप्रैल 2020, उसकी मैं थोड़ा ना पॉज ले ली कि हाँ ठीक है देखते हैं। फिर उसके बाद मैं थी जून जुलाई में, मतलब 30th ऑफ जून और जुलाई यही था सी। जून में मैं कोलकाता में दी इंडिगो का, और वो मेरा अभी तक का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरी खुद की गलती की वजह से, क्योंकि मैं अच्छे से, मेरे जो शूज़ था ना वो काफ़ी बड़ा था, और शूज़ बड़े होने की वजह से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस डगमगा जा रहा था, और मैं थोड़ा नर्वस थी भी। मैं उस पहली बार था कि मैं थोड़ा नर्वस थी कि कोलकाता गई हूँ इंटरव्यू देने, तो फिर मेरा वो इंटरव्यू बिल्कुल क्लियर नहीं, और मैं तैयार थी कि हाँ ये नहीं हो पाएगा शायद मेरे से। फिर मेरा आया एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो कि वाराणसी में था, मेरी खुद की सिटी में, और मेरी मम्मी इतनी श्योर थी ना कि जब मैं उन्हें बताई कि वाराणसी में एक इंटरव्यू है एयर इंडिया एक्सप्रेस का, वो बोली अरे दो तुम्हें देना होगा, मतलब आई एम श्योर कि एक कॉल आ गई थी सॉरी। तो मतलब जब मेरी मम्मी बोली ना कि जब मैंने बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू है, एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक इंटरव्यू है वाराणसी में, वो बोली कि तुम्हें जाना चाहिए। उन्हें वो पूछी कि कहाँ, बोले वाराणसी में। फिर वो बोली सच्ची, आ जाओ जल्दी आ जाओ आ जाओ, वो तो खुश हो गई कि मैं घर आ रही। तो फिर वो बोली इंटरव्यू देने के, पापा से बात हुई कि सब बोले कि हाँ दो, और बहुत कॉन्फिडेंस से सब कि हाँ हो जाएगा। फिर मैं वहाँ गई और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। 24th अगस्त 9 बजे से था टाइमिंग, मतलब वहाँ पे पहुँचने की रिपोर्टिंग टाइमिंग 9 थी, और मैं 8 बजे ही पहुँच गई थी, और 8 बजे पहुँच के मेरा पहला राउंड, मतलब 9 बजे से स्टार्ट हो गया था राउंड। पहला राउंड था बीएमआई राउंड में आपका वेट और हाइट चेक कर देंगे, दोनों सही है कि नहीं। BMI आपकी 18 से 22 के बीच में होनी चाहिए, मेरी थोड़ी सी ज़्यादा थी 22.3, पर उसके लिए भी उन्होंने थोड़ा सा मुझे रोका और मेरा मतलब कंसिडर कर लिया कि हाँ चलो ठीक है हाइट, क्योंकि मेरी हाइट की वजह से थोड़ा मुझे फ़ायदा मिल गया कि हाइट अच्छी थी। तो फिर नेक्स्ट राउंड था डॉक्यूमेंटेशन, उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए आपको? आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, और पासपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक्सप्रेस में, और आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट, आपके दोनों डोज कम्प्लीट होने चाहिए, और सबकी फोटो कॉपीज भी चाहिए, आपके पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए, ये चीज़ें थी आपकी। फिर वो राउंड मतलब आप सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं आपके ओरिजिनल और जो भी आपकी फोटो कॉपी सब चीज़ें हैं कि नहीं, और आपका रेज्यूमे भी वहाँ चेक होता है। रेज्यूमे तो ऑब्वियस आप ले जाओगे अपना रेज्यूमे, फिर वो चीज़ें करके फिर वो हमें नेक्स्ट वहाँ दूसरी सीट पर बैठा देते हैं कि आप उस जगह जाके बैठो वहाँ, मतलब सेकंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में बहुत लड़कियाँ खड़ी, सेकंड राउंड में भी बहुत लड़कियाँ गई, फिर थर्ड राउंड में बची आधी लड़कियाँ थर्ड राउंड में आ गई। थर्ड राउंड था हमारा मतलब अनाउंसमेंट चेक था, और हाथ के और पैर के स्कार्स चेक हुए। अनाउंसमेंट मतलब कि हम गए HR के पास, वो हमसे अनाउंसमेंट करवाए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो अच्छे से कर ली थी मैंने, अनाउंसमेंट तो अच्छी ही थी। फिर हाथ करके स्कार चेक की, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फेस आपको चेक किया कि आपका फेस में कोई स्कार या मार्क नहीं, फेस आपका पूरा क्लीन है, तो आप मेरा फेस मतलब इवन था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर मैं थर्ड राउंड मेरा क्लियर हो गया। फिर वहाँ पे जो मैम थी वो बोलेगी आपको हम नेक्स्ट राउंड की अपडेट करेंगे, तो मेरा वो राउंड क्लियर हो गया था, मुझे थोड़ा लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं थोड़ा था क्या होता देखते। फिर वो बोले कि जितने लड़के बैठा है। फिर फोर्थ राउंड था हमारा गॉडसेंड, मतलब एक इंग्लिश टेस्ट होता है, उसमें आपसे एक फोन में ऐप डाउनलोड करवाएंगे गॉडसेंड, मैं उसकी स्पेलिंग बता रही हूँ, VER SEND।
ANT. अब तो प्रैक्टिस कर सकते हो अभी से ही, अगर आपको ANT की इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप उस प्रैक्टिस कर लेने के बाद तो आपको चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी। मतलब काफ़ी लोग उस राउंड में भी आते हैं और वो राउंड में मतलब आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, अप्रॉक्स 40-50 क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको स्पीकिंग और लिसनिंग होगा, मतलब आपको कुछ वो आपको सुनने में आएगा, आपको चीज़ें रिपीट करनी होगी या वो कुछ चीज़ें पूछेगा, आपको उसका आंसर देना होगा। दैट्स इट, बहुत ही मतलब उसमें अपना अगर आप जा रहे हो ANT की इंटरव्यू की तो प्लीज़ वायर्ड ईयरफोन ले जाना, मत लेना वहाँ पर नहीं, बहुत लड़कों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मेरे पास वायर्ड ईयरफोन था क्योंकि उसमें पहले उसमें उन लोगों ने डाला था कि वायर्ड ईयरफोन ही लाना, वही लगता है उस ऐप में। तो उस राउंड में आपके जो मार्क्स 6 में से मिल रहे थे तो जिनके 3, 4, 5 थे उनको कंसिडर कर रहे थे, 6 तो किसी का नहीं आया था, 3, 4, 5 वालों को कंसिडर कर रहे थे, 1, 2 वालों को वहाँ से निकाल दे रहे थे। मेरे आ गए थे 4, पता नहीं कैसे आए थे, मुझे लगा 5 आएंगे पर मेरे 4 आए थे, पर मेरा हो गया तो ठीक है। और मेरा वो राउंड भी क्लियर हुआ, फिर हमें एक दूसरी जगह बैठाए, फिर वहाँ पे वापस से डॉक्यूमेंट मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने के लिए बोला, सारे डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट कर रहे थे और वहाँ पे एक और फॉर्म था जो कि वो देख रहे थे हमारे डेट ऑफ बर्थ की चीज़ें वापस से पूछ रहे थे। और आपके हर राउंड में ना आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सो व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू डू, सो वेयर आर यू फ्रॉम, आर यू फ्रॉम दिल्ली, मतलब ये चीज़ें आपसे वो क्लियर करते जाते थे हर राउंड में थोड़ी थोड़ी बातें। और थर्ड राउंड में भी मेरे से बहुत बातें की थी, फिर ये फिफ्थ राउंड था ये, मतलब एक तरह से दूसरा डॉक्यूमेंटेशन। फिर मैं आता है लास्ट राउंड HR, मतलब पर्सनल इंटरव्यू था HR से, गई वहाँ पे और वहाँ पे वो आपका वॉकिंग स्टाइल, आपका बोलने का स्टाइल, आपका कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। मेरे से बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा, बहुत कम चीज़ें पूछी, पर मेरा बहुत अच्छा गया था इंटरव्यू। उन्होंने मेरे से पूछा कि ओके शैल हाउ आर यू, सो यू आर फ्रॉम दिल्ली, और मेरे कॉलेज के बारे में पूछा कि आप रेगुलर हो, आप कितनी कम एज है, आप मतलब कंफर्टेबल हो गए, मतलब आई राइट नाउ उस टाइम तो मैं 18 की थी, अभी मैं 19 ही हो गई हूँ, 23rd of September को मेरा 19th बर्थडे था और उस टाइम मैं 18 की थी। तो वो बोले आर यू कंफर्टेबल, मतलब कि आप इतनी यंग एज में कर रहे हो, तो आई वॉज लाइक येस सर आई एम 100% श्योर अबाउट इट। और फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मैम थी एक बगल में, वो बोले कि व्हाट यू थिंक अबाउट कैबिन क्रू प्रोफाइल, और मेरे लिए कैबिन क्रू प्रोफाइल बहुत ही अलग चीज़ रही है स्टार्टिंग से, मतलब मैं इसको नॉर्मली कभी डीली नहीं की, मेरे लिए स्टार्टिंग से एक बोलते ना लोगों का सपना होता है, सपना भी था और मेरी हर एक प्रेयर में ये रहता था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है। न जाने कहाँ कहाँ दर्शन करके मैंने मांगा था, तो एक अलग इमोशन जुड़ी थी मेरी कैबिन क्रू प्रोफाइल से। और जो आप फील करते हो ना लिटरली आप वही चीज़ बताना, ऐसा नहीं कि आप रट्टा हुआ कुछ बता रहे हो या कुछ भी नहीं बताना, आप जो फील करते हो आप जैसा सोचते हो उस प्रोफाइल की, ये भी नहीं बताना कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, नहीं कुछ नहीं चलेगा वहाँ पे, आप बस जो फील करते हो हाउ मच यू रिस्पेक्ट दैट जॉब और आपके लिए वो क्या चीज़ें होती हैं, आपके लिए वो क्या अहमियत रखती है, वो चीज़ आपको बस बतानी है। मैंने वो बताई पूरी, मतलब पूरा इंटरव्यू इन इंग्लिश था। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा आर यू कम्फर्टेबल इन हिंदी टू, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों चाहिए होता डोमेस्टिक एयरलाइन में, फिर मैंने बोला यस मैम आई एम डेफिनेटली आई एम। तो उसके बाद वो मेरे से पूछे ओके यू आर फ्रॉम वाराणसी, तो मुझे कुछ बनारस के बारे में बताओ, तो मैं बोली हिंदी में, तो बोले हाँ हिंदी में। और उसके बाद मैं तो इतनी तारीफ है कि बनारस यार बनारस बनारस की कोई इतनी अच्छी जगह की कोई मेरे से पूछ रहा है और मैं मेरा खुद का सिटी है वो, तो मैं क्यों नहीं बताऊँ। मैं उन्हें ना सजेशन देने लगी, मतलब ऐसे नहीं कि मैं उनसे बोली सर इफ़ यू आर विजिटिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम तो आप प्लीज़ बनारस घाट पर ज़रूर जाना, वहाँ की शाम की आज गंगा आरती देखना, वरना अगर आप नहीं देखोगे तो आप बहुत अच्छी चीज़ मिस कर दोगे। और गंगा आरती देखने के बाद आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें खाने की ट्राई कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ना लोग पीस ढूंढने आते हैं और यहाँ पे आपको लिटरली वो पीस मिलेगी। मतलब मैंने बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से आंसर दिया, ही वॉज लिटरली इम्प्रेस्ड विद मी, वो बोले कि ओके थैंक यू शैल थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू फॉर द डे यार ये मुझे निकाल रहे हैं क्या, लेकिन वो निकाले नहीं, वो बोले कि आप वहाँ जाके वेट करो। फिर मैं वहाँ गई, लेकिन वो जाते जाते मैंने से बोले शैल आपको पता है कि आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, मैं बोली यस सर आई नो बट आई एम वर्किंग ऑन इट, क्योंकि मैं उस टाइम एक्सरसाइज करी थी, पता नहीं कैसे उस दिन इतना थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा नहीं आया था, मतलब मेरा 1 किलो ज़्यादा आ गया था, 1 किलो मेरा जैसे कि 59 होता ना तो मैं आ जाती, मेरा उस टाइम 60 हो गया था, मैं बोली शिट मतलब 60 पॉइंट में कुछ आ गया था, तो इस वजह से मेरा थोड़ा ज़्यादा आ गया और मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और इस टाइम मेरा वेट है 57.4 मैं लास्ट वीक करवाई थी 57.4। तो मैंने बहुत एक्सरसाइज की, बहुत चीज़ें डाइट पे, मैं प्रॉपर डाइट पर रही हूँ। उसके बाद मेरा फिर वो बोल दिए कि आपको बैठना है, मतलब सुबह 8 बजे गए हुए हम सब, शाम को 5:30 बजे इंटरव्यू खत्म होता है।
और 5:30 बजे वो आते हैं कुछ 14 गर्ल्स के आसपास ही, 12 to 14 गर्ल्स। उनसे आगे बोलते हैं कि सो गाइस, सो गर्ल्स व्हाट आर यू थिंकिंग। हमने रिप्लाई किया सर पॉजिटिव, तो वो बोले पॉजिटिव बट अच्छा है कि आप लोग पॉजिटिव हो, बट अनफॉर्चुनेटली यू गाइस आर नॉट सेलेक्टेड। और मेरी तो शक्ल, मतलब बाकी लड़कियों को तो रोने वाला हो गया था, मैं थोड़ा सा यार ये प्रैंक है, मतलब थोड़ा सा अंदर से ऐसा हुआ कि ये प्रैंक है, और मैं थोड़ी ब्लैंक सी हो गई यार, इस टाइम बता रहे हैं कि वी आर नॉट सेलेक्टेड। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई, फिर हम ऐसे मतलब शक्ल उसके बाद बोला कि गर्ल्स चिल, यू गाइस आर सेलेक्टेड, आई वाज जस्ट जोकिंग। और मुझे लगा यार इतना गंदा कौन जोक करता है, ऐसा जोक नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ लड़कियां रो देती, मैं भी रो ही देती, मैं अंदर से रो भी रही थी। तो फिर उन्होंने हमारे साथ हमें लेटर ऑफ इंटेंट दिया और बोला, स्ट्रिक्टली मना किया कि कहीं भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ उनकी प्राइवेसी होती है सोशल मीडिया से लेके, तो हमें मना कर दिया गया। तो फिर हम बोले ठीक है सर, और हमारे साथ फोटो क्लिक हुई कि मैं आपको जब नेक्स्ट टाइम देखूँ तो आप मुझे कुछ अलग, आपको कुछ और, मतलब अपने आप को थोड़ा और वो कर लो ना, मॉडिफाई कर लो कि आप थोड़े और अच्छे रहो। तो हमने बोला श्योर सर, वी विल डू दैट। तो उसके बाद हमारा वो क्लियर हुआ, मैं अपने दीदी के पास गई और मैं बोली दीदी मैं सेलेक्ट हो गई, फिर अपने मम्मी पापा को फ़ोन की। फिर मैं मेडिकल था 29th of August, सॉरी गाइस ये मैसेज कब से आ जा रहे हैं, बस कॉन्ग्रेट्स के ही आ रहे हैं मेरे, मतलब जो ग्रुप के फ्रेंड्स हैं उन सबके कॉन्ग्रेट्स के आ रहे हैं। और मेरा उसके बाद मेडिकल हुआ 29th of August को, मुझे मेडिकल की मेल आई, मैं 30 अगस्त को मेरा मेडिकल हो गया, 31st को मैंने सबमिट कर दिया सर। और मेडिकल का बिल आपको पे करना होगा, एयर इंडिया एक्सप्रेस इज नॉट लाइबल फॉर दैट, वो आपको पहले ही चीज़ें बता देंगे। आपको जो लेटर ऑफ इंटेंट होगा ना उसमें भी लिखा रहता है शायद कि मेडिकल, मैं उसमें शायद नहीं लिखा रहता लेकिन सर लोग बताते हैं कि वो आप लाइबल होंगे उसके लिए। आपको जितने लेकिन जितने जो भी मेडिकल टेस्ट करवाने होंगे वो आपको मेल कर देंगे, कौन कौन से, कब कब, कैसे, और विद इन 2 डेज आपको सब सबमिट भी करना होता है। तो मेरे मेडिकल्स भी हो गए, सब चीज़ें हो गई। उसके बाद मेरा फिर उसके बाद ही वो वेट करवाते, बहुत वेट करवाते, मतलब मुझे लगा 1-2 हफ्ते में पता चल जाएगा बाकी, क्योंकि मेरी और दो एयरलाइन की जो मतलब जो जिनसे मेरा कांटेक्ट था उनसे बोला कि उनका तो 1-2 हफ्ते में आ गया था, 1-2 हफ्ते में वो ट्रेनिंग के लिए चली गई थी। मुझे लगा यार आएगा कि नहीं आएगा। हमें आया मेल 29th of September, मतलब 29th of August को मेल एक करने के बाद 29th of September, मतलब 1 महीना पूरा मैंने वेट किया। और उसमें भी क्या आया, रीटेस्ट के लिए, और कुछ मेरे रिपोर्ट्स नहीं मिल रहे थे। फिर वो मेरे रीटेस्ट के लिए किया और 29 की रात को ही सारा टेस्ट हो गया, फिर 30 को सबमिट कर दिया मैंने। और वो भी अभी सारी लड़कियों को नहीं आया, मेरे जो बैचमेट्स थे ना उसमें से अभी तक सिर्फ 8-9 लड़कियों का ही आया है, बाकी लड़कियों को अभी भी नहीं आया है। और जो लड़कियों को वो उनका रीटेस्ट करवा के सबमिट कर दी, और सबमिट करने के बाद फिर मुझे लगा अब तो वापस इतना टाइम लग गया, अभी 1 महीना लिया तो अभी भी इतना टाइम लगे, तो मैं बहुत चिंतित कि यार देखो क्या होता है। फिर नेक्स्ट 7th या 8th अक्टूबर जो कि सैटरडे था, सैटरडे की रात को मुझे मेल आया वर्चुअल ज्वाइनिंग का। मुझे लगा ये वर्चुअल ज्वाइनिंग क्या है, मतलब मैं नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग देखी कि वर्चुअल ज्वाइनिंग क्या है। तो उसमें कुछ नहीं था, एक फॉर्म तो सबमिट करना था, उसमें ये था कि हाँ आई एग्री HR मुझे जो भी वेन्यू या प्लेस वो टाइम देंगे डेट, मैं उस टाइम पे उस जगह पे पहुंच जाऊंगी ट्रेनिंग के लिए, और आपका नेम, परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें थी आपकी। वो चीज़ें सबमिट करने के बाद तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट हुई कि वर्चुअल ट्रेनिंग 3 लड़कियों का आया था, मतलब वर्चुअल ट्रेनिंग में से 3 लड़कियों का आया और जिसमें एक मैं थी। और वो चीज़ें के बाद थोड़ा मैं रिलैक्स हुई कि क्या होता है देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं कल से सुनी थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, मेरा एग्ज़ाम्स भी आ रहे थे दिसंबर में, क्योंकि मैं फाइनल ईयर में अभी मेरा जस्ट हुआ है एडमिशन, मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ अभी, आज या कल मैं एडमिशन ले लूँगी फाइनल ईयर में। मैं बी कॉम प्रोग्राम कर रही हूँ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरा दिसंबर में 5th सेमेस्टर होने वाला है, मेरा एडमिशन भी होने, एडमिशन मतलब मेरे कॉलेज का बहुत लेट स्टार्ट होता है। तो इसके बाद अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, तो क्या बोल रही हूँ भाई, मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, क्या बता रहे थे। हाँ, तो मैं थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दी थी कि कल से स्टार्ट की थी कि अब जो भी आएगा ट्रेनिंग का देखते हैं, अब मैं अपना कर देती हूँ। तो फिर ये लोग ना मुझे कल रात को अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिए, मतलब वो रात को मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, फिर रात को ऐसे हो कि मेल चेक करते हैं, मेल चेक किया तो मैं बोली AIX रिक्रूटमेंट का मतलब मेल आया था, मैं बोली चेक करूँ, फिर चेक किया अपॉइंटमेंट लेटर, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू डेट बताने गया था। अरे यार उसमें 2-3 PDF थे कि आपको ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें दे लेकर आनी है, आपकी सैलरी स्लिप, डियर शेयर सिंह, अरे मैं अपना नाम देख के इतनी खुश थी ना, मतलब हर चीज़ में मतलब मेरा नाम था कि आपको इस चीज़ के लिए, आपको क्या क्या मतलब ट्रेनिंग के पहले क्या क्या चीज़ें करनी, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें।
तो अब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मुझे अपने घर जाना होगा। मैं इस टाइम दिल्ली में थी, तो आज रात की मेरी ट्रेन है, मतलब सुबह सुबह मेरी टिकट हुई है, फिर रात को मैं दिल्ली अपने घर जाऊंगी मेरी वहाँ चीज़ें क्लियर करके। फिर अब मुझे नहीं पता है कि मुझे वेन्यू और डेट क्या मिलेगी, क्योंकि वो बोले हैं कि आपको एक दो दिन में पता चल जाएगी, शायद आज ही पता चल जाएगी, कल तक मुझे वेन्यू या डेट पता चल जाएगी। तो जो भी होगा मैं चली जाऊंगी वहाँ पे, और मुझे ये नहीं पता कि मैं घर जाकर डायरेक्ट वहाँ से जाऊंगी वापस दिल्ली आके। थोड़ी ली पैकिंग मेरे लिए एकदम वो हो गया है, हेक्टिक सा कि कैसे क्या करना है, क्योंकि अब मेरे फ्रेंड्स भी बोले जल्दी से मिल लो जल्दी से मिल लो, मुझे उनसे भी मिलना है, मैं अपने घर जाऊंगी, मुझे दर्शन करने भी जाना है। तो बहुत चीज़ें अभी मेरी लाइफ में ना स्पीड अप में बहुत चीज़ें आई हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और मेरे लिए हाँ, तो मुझे वेन्यू ना दिल्ली मुंबई बैंगलोर कुछ भी मिल सकता है, तो लेट्स सी क्या मिलेगा। होप सो मुझे दिल्ली अगर मिल गया तो थोड़ी सी चीज़ें इजी हो जाएंगी मेरे लिए, कि मतलब ट्रैवलिंग उतना नहीं करना होगा घर के पास। और मुंबई मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं कि मेरे रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, बैंगलोर थोड़ा सा दिक्कत आएगा कि मतलब मेरे लिए, लेकिन बैंगलोर का वेदर यार, बैंगलोर में मज़ा मतलब कोई भी जगह मज़ा तो बहुत आने वाला है, बहुत 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 बहुत, क्योंकि एक ये मेरी एक बहुत ही टर्निंग एक अलग टर्निंग पॉइंट रहेगी मेरी पूरी लाइफ का। इसके बाद मेरी लाइफ कैसी हेक्टिक होने वाली, मैं कैसी बिजी होने वाली हूँ, शायद मैं अपने दोस्तों को उतना टाइम नहीं दे पाऊँ तो जितना मैं अभी दे लेती हूँ। और मैं फिर से एक बार फिर से आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे पेरेंट्स को, मेरे भैया को, मेरी दीदी को और मेरे फ्रेंड्स को, दीदी लोग को, आई मीन मेरी दो दीदी हैं जो मुझे बहुत हेल्प की, फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग मेरी मौसी, मतलब बहुत, मैं किसको थैंक यू बोलूँ, मेरे आस पास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ना, नहीं बता सकते। और आप में से जो भी कैब रेसिडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दे दूंगी, तो आप वहाँ पे मुझे डीएम कर लेना। आपको जो भी आज भी क्वेरी में लिख देना कि हाँ आई वांट टू आस्क यू समथिंग अबाउट कैब क्रू, तो मैं आपको 100% आपको रिप्लाई दूंगी, और जो भी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट थी और मुझे ना बहुत चीज़ें कि लगता था कि यार कोई तो गाइड करने को होना चाहिए। और मैं यूट्यूब पर भी देखती तो मुझे उतने कंटेंट्स नहीं मिलते थे जो मेरी क्वेरी रहती थी, तो मैं अपनी सीनियर से मतलब जो इस टाइम ट्रेनिंग रहती थी उनसे बात करती, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की कि हाँ ऐसे ऐसे ये होता है, ये चीज़ें देख लो। तो मैं भी चाहती हूँ मैं किसी की लाइफ में थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और विश मी ऑल द बेस्ट कि मैं चीज़ें जैसे हैंडल करते आ रही हूँ मैं आगे भी हैंडल कर लूँ, बहुत चीज़ें स्मूथ चले, और मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, मेरी वजह से कोई नाराज़ ना हो, मेरे से कोई गुस्सा ना हो, बस यही चाहता है। और हमेशा ऐसे स्माइल स्प्रेड करते रहें, बस इतनी विश है भी। और मम्मी पापा को थोड़ा और प्राउड फील करवा पाओ मेरे भैया को, और मेरे भैया जितना किए हैं उतना शायद ही कोई किया होगा, मैं अपने भैया की इतनी तारीफ करती नहीं हूँ, ऐसे मैं वो सामने से होप सो ये वीडियो वो ना देखे वैसे वो नहीं देखते तो शायद ये भी नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ ऐसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है जो अपनी चीज़ों को छोड़ के पहले मेरी चीज़ों को लेके कि हाँ पहले तुम कर लो मेरा तो होता जाएगा। तो थैंक यू भैया, थैंक यू कात्यायनी दीदी, रोशनी दीदी, थैंक यू मौसी, थैंक यू नेहा, शालू, रितिका, सेजल, थैंक यू सो मच एवरीवन। वैसे मेरे इतने दोस्तों को ही पता था, और बाकी दोस्तों को मैंने अभी कुछ रिसेंटली अगर बताया तो बताएगा, बाकी मैंने किसी को नहीं बताया, और अब इस वीडियो के बाद तो शायद उन्हें पता चली जाएगा। और स्पेशल थैंक्स टू माई पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, जो मुझे कभी मतलब मैं बहुत लेट डाउन हुई कि अरे शायद मेरे से नहीं होगा, और उन्होंने बोला क्यों नहीं होगा, तुमसे ही होगा, तुम 100% करो, मतलब हर टाइम मुझे इतना चेयर अप करना। मेरे रूममेट विनीता दीदी, उनको भी थैंक यू, मतलब उन्होंने बहुत चेयर अप किया कि हाँ हो जाएगा, मतलब मेरे ज़्यादा और लोगों को मेरे पर भरोसा था, तो ये चीज़ें मुझे चेयर अप होने में बहुत हेल्प की। थैंक यू सो मच गाइस, मतलब अगर आप लोग नहीं होते सीरियसली लिटरली मैं यहाँ नहीं होती, या मैं ऐसे वीडियो नहीं बना रही होती, अब मतलब मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर ना हो। मेरी कसन हंसते काल दर्द हो गए, और शायद मुझे अभी वीडियो बंद भी करना चाहिए क्योंकि मुझे पैकिंग करना है, मेरी आज रात की ट्रेन है और मेरा पैकिंग का कुछ भी सीन नहीं है अभी, कब क्या मुझे बहुत चीज़ें रखनी, क्या रखनी क्या नहीं रखनी है, तो वो चीज़ें करनी, और मैं सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाई, और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के, जो
जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक सब्सक्राइब कमेंट और जो भी प्रॉब्लम हो बताइएगा और वीडियोस को देखते रहिए। एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड अब मैं और भी वीडियो डालूंगी, ट्रेनिंग कैसे कहाँ कर रही हूँ ज्वाइन, ट्रेनिंग कैसे जा रही मेरी, मैं जितनी हो सकेगा मैं उतना अपडेट देती रहूँगी, आपको जो भी क्वेरी होगी मैं वो भी बताती रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फिर से बोल रही हूँ सब्सक्राइब 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 अगर आपको पसंद आए तो, मतलब कंटेंट ऐसा नहीं कि आप ऐसे सब्सक्राइब करो, मेरा पूरी वीडियोस देखो और सब्सक्राइब करो। बाय लवीज, टेक केयर, अपना ध्यान रखना क्योंकि मौसम अच्छा नहीं चल रहा, मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत बहुत खराब हो रही होगी, तो अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से सप्लीमेंट्स लीजिएगा, अच्छा प्रोटीन इंटेक करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, फिट रहिएगा और स्माइल करते रहिएगा। ओके।